यो अब तो गाइस क्या टाइम चलो वेलकम बैक टू अनदर फ्री फायर वीडियो। आज हम फ्री फायर में लगाने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच। तो अभी मैं हूँ लॉबी में, तो आपसे मिलता हूँ सीधा मैच में। तो यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है और हम टीम में और आज हम लोग उतरने वाले हैं बर्मा साखी में। तो क्या हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं बर्मा साखी में और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें कोई गन मिलती है क्या। सबसे पहले अरे यार डैमेज पड़ गया। सबसे पहले इस वाले गन में जाते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक वी एस एस, तो इसका स्कोप तो अच्छा है वेल। और यहाँ पे हमने लिया एक यू एम पी, यार मस्त है। तो अब हम लोग जाते हैं दूसरे कमरे में। यहाँ पे हमने एक एफ एफ कॉइन और ए के मिली है, तो यू एम पी लें या ए के। ठीक है ए के ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक बार ए के स्प्रे देखते हैं। स्प्रे तो इसका अच्छा है, यू एम पी का शायद से ए के से थोड़ा अच्छा है। एक बार स्कोप देखते हैं, एक बार ए के का स्कोप देखेंगे बाहर जाके। यू एम पी का ठीक ठाक है, ए के का भी सेम ही है। तो स्प्रे के हिसाब से मैं यू एम पी सेलेक्ट करता हूँ। पीछे बंदा था क्या, एक मिनट देखता हूँ। नहीं टीममेट है, टीममेट है। तो यहाँ पे हमारे कितने किल्स होंगे, कैन यू गेस इट। तो एक और एफ एफ कॉइन मिला, अगर वेंडिंग मशीन मिलती है तो कुछ खरीद लेंगे अच्छा सा। एंड यहाँ पे छत पे चलते हैं, कुछ मिलता है क्या। कुछ तो पड़ा है यहाँ पर वेस्ट है, पर हमारे पास लेवल टू की वेस्ट है, अच्छी है। बंदा मैप में बंदा देखा मुझे, तो हम लोग जा रहे हैं हमारा किल लेने। और यहाँ पे हमें एक गन मिली थी बट ये इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने इसे नहीं लिया। बंदे की लोकेशन तो अभी यहीं पे थी, अब हमें खुद को डिटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैप से वो हट चुका है। हमने तो किया बंदा और जो मुझे गैप्स गो यार, हमने उसे मार दिया है। तो ये मरता है, ये मरा और मैंने कर दिया है एक किल। वो भी हेड शॉट देते हैं एंड और देखते हैं बंदे मिलते हैं कि। मैप में एक और दिखा पूरा पूरा टावर के पास में। अरे यार इसका स्कोप बंदा दूसरे वाले का निकाल दिया बाई हेड हेड। ओ भाई दो किल कर दिए हेड शॉट दे के वो भी। चलते हैं नेक्स्ट। अरे यार बंदे नहीं दिख रहे, दो ही दिखे हैं। हमें आज का टारगेट है मैक्सिमम 8 या 9 किल्स करना और देखते हैं हमसे हो पाते हैं क्या। ये कम कैरेबिन जैसे कैरेक्टर कोई भाग रही है, इसे भी हेड देना पड़ेगा। बट अभी तो 29 का ही लग रहा है। एक हेड देते प्लीज यार, तेरी कसम एक हेड देते मैं मान जाऊँगा मैक्सिमम। एक बंदा हमारे यहाँ पर मर चुका है एंड दूसरा ना मर जाए भाई, मैं अकेला रहूँगा, ये सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक परांग मिली है, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है बट तो रख लेते हैं। इससे हम मिली के अटैक भी कर सकते हैं, नॉक होने का अगर एमोजेशन करनी तो उससे मार सकते हैं अगर क्लोज रेंज में हुआ तो। और यहाँ पे तो टीम मेट ही है, सबका बंदा क्यों नहीं दिखता। मुझे लग रहा है बर्मा साखी से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ के बंदे को हमने खरीद कर दिया है। बट एस एस सी की मिली हमारे गन के लिए, एक मेडिकेट मिल गया अच्छी बात है। और ये परांग अच्छा है या बैट, तो आई थिंक परांग ज़्यादा अच्छा है। और कटाना मिल चुकी है, तो मैं भी क्या मिली अटैक्स में ध्यान दे रहा हूँ। तो यहाँ पे घर से बाहर चलते हैं और देखते हैं कोई बंदा है या फिर नहीं। एक बंदा तो नहीं देखा, लूट ही ले लेते हैं कोई अच्छी गन मिलती है तो, क्योंकि एमओ तो बहुत ज़्यादा ना के बराबर ही बची है हमारे गन्स में। देखो उसमें 19 ही है और उसमें तो वी एस एस में तो 0 ही एमओ है और यहाँ पे 2 बंदे हैं। क्या मैं 19 एमओ से मार पाऊँगा इन्हें। 1 टैप अभी तो 1 टैप नहीं हुआ बट 2-3 डैमेज के बाद में हमने दे दिया है एक हेड। और 1 टैप नहीं हुआ पर हुआ सही तो हुआ, और दोनों में 0-0 कर दिया है। तो फटाफट गन ढूंढनी पड़ेगी और अपना ही जो सामने बंदा है उसे अपना टीममेट ना मार दे, हमें ही किल लेना पड़ेगा। और टीममेट की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा लो है। आई थिंक मैं सोलो से स्क्वाड ही करने वाला हूँ इस मैच में। और सेफ जोन भी श्रिंक होने वाला है 50 सेकेंड्स के अंदर। और एक हमारा किल कन्फर्म हो चुका है। गन क्यों नहीं मिल रही, कोई अच्छी गन मिल रहा बस। ये तो एक शॉर्ट रेंज की मिली है, उसका तो क्या ही करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादातर बड़े लॉन्ग रेंज ज़्यादा अच्छी होती है। एंड ये गन अच्छी है बट लॉन्ग रेंज बड़मुड़ा में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थॉम्सन लें या नहीं। मुझे लग रहा है कि यू एम पी ज़्यादा अच्छी है थॉम्सन से, थोड़ी 30 गोली तो मिली है मुझे, तो मैं एमओ थॉम्सन में ज़्यादा है बट मैं रखूँगा यू एम पी। तो चलते हैं आगे।
और भी हम गन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई अच्छा कॉम्बो मिल जाए गन का तो मज़ा आ जाए। एंड एक लोड मिला है, सही है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। 30 एमएम से अगर हम मार पाए यार, दो बंदे तो मर जानी चाहिए 30 एमएम से। एक यहाँ पे वेंडिंग मशीन तो है, कुछ तो खरीद सकते हैं, बट इनफ पॉइंट्स होंगे क्या? मेरे ख्याल से हमें ग्लोर वॉल खरीद लेनी चाहिए। बाहर एक बंदा दिख रहा है, इसे मार के आते हैं, फिर हम एक ग्लोर खरीद लेंगे। और वन टैप तो नहीं हो पाएगा, नहीं यार हेड भी नहीं दे पाया। पर किंग फिशर मस्त है, नहीं लॉन्ग रेंज के लिए है, शॉर्ट रेंज के लिए भी है, मस्त मिल चुकी है हमें। और एक मेडिकेट मिल गया है, गुल्ले में ले रहे हैं, हमें भागना पड़ेगा यहाँ से, तो भागते हैं और उसी वेंडिंग मशीन के पास जाकर कुछ ना कुछ तो खरीद लेते हैं। इसी घर में थी ना, इसी घर में है, तो यहाँ से पहले कुछ पड़ा है थॉमसन, मैंने थॉमसन नहीं उठानी, वेंडिंग मशीन पर कुछ खरीद, तो ग्लोर खरीद लेते हैं यार, वेस्ट लेवल थी, ग्लोर ही खरीद लेते हैं, ग्लोर खरीद लिया हमने। और कुछ समझ समझ नहीं आ रहा, ग्रेनेड का एम करना मेरी बस की बात नहीं है, और गन की हमें ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा कॉम्बो मिल चुका है तो उनका। अब वेंडिंग मशीन को छीन लेंगे और बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ते हैं। और भी कोई बंदा दिखेगा था, अब चेस्ट मैंने जान दिया, हमारे दोनों टीम मेट बच गए हैं, अब सोलो वर्सेस स्क्वाड ही होगा। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब, और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी तुम दबा देना और उसे ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। कहाँ से मारा बंदा, बंदा बंदा बुरा छत पे मार मार मार, शूट कर गया भाई, अब क्या शूट कर रहा हूँ मैं, इस घर के अंदर होगा इसमें हट देंगे, सुबह वन टैप कर जाऊँगा तुम्हारा भाई। वन टैप तो नहीं कर पाया पर हेड बड़ा अच्छा दिया, कटाने से इसे पूरा फिनिश कर देते हैं, क्योंकि एमओ मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, वो एमओ ही बची है शायद, 8 एमओ ही बची है खाली, ऐसा हमने कर दिया कटाने से। नहीं खूब सारी एमओ मिल गया, बैग लेवल 3 मिल गया, वेस्ट लेवल 2 मिल गई है, 2 मेडिकेट मिल गए हैं, एमओ मिल गई है, MP40 ज़्यादा सही रहेगी, MP40 देखो मेरे हिसाब से MP40 में स्कोप नहीं होता, और बर्मुडा में एम की ज़रूरत होती है, तो मेरे ख्याल से MP5 ही चूज़ करते हैं हम, MP5 से उठा लेते हैं वापस, और MP5 के साथ ही ये मैच अब लोग कंटिन्यू कर दें। अभी तक मैंने 5 किल कर दिए हैं, मुझे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है 5 किल के साथ में। और अरे अटक गया बंदा, अटक गया है, गेम अटक गया गाइस, हिल हिल हिल, हाँ हिल गया हिल गया हिल गया, ओके गेम चालू हो गया गाइस। यार अटक गया था, मैं खुले में खड़ा था, कोई हेड दे देता तो आज गेम मेरा काम तमाम हो जाता है। यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, ओ बंदा मार 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 के कटाने से मारेगा पागल, मार हाँ हेड वन टैप कर सकते हैं गाइस, हेड देते हैं ऐसे वन टैप मजाक है यार, हम वैसे भी नॉक कर सकते हैं ऐसे हेड दे के। कहाँ गया बंदा भाई, ये लास्ट में तो काम तमाम नहीं करते। MP5 का स्कोप खोल हेड किया बिना स्कोप का, लेट्स गो, चलो उसे किल कंफर्म करने जाते हैं, चल पहले ही हो गया किल कंफर्म, तो हेडशॉट दिया है तुम्हारे, हेडशॉट दिया है 6 के 6 बंदूक हेडशॉट भाई यार। और यहाँ से हमें कुछ अच्छी लूट तो मिली नहीं मिली, पर एमओ जरूर मिल गई, तो बाइक को ले गई यहाँ पर, वहाँ पे वो देखा है क्या नाम है उसका, ये बोलते क्या बोलते हैं तो बोलते हैं, लूटने जाते हैं जो प्लेन से गिर जाता है ना, नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे जाते हैं बस कोई मार ना दे, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ मेरा VSS मिल गया, तो किंग फिशर ज़्यादा अच्छा VSS है हमारे बीच के लिए, किंग फिशर को छोड़ना पड़ेगा, इससे मैंने किल तो बहुत किया था, क्या सॉरी VSS
नहीं, SVSS नहीं, किंगफिशर को छोड़ना पड़ेगा, एस मीडिया उठानी पड़ेगी क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा अच्छा है। सवाल कोई नहीं, किंगफिशर का भी और मैच में यूज़ करेंगे। अगर बुया मिल गया ना भाई, मैं भाई इतनी खुशी यार, बुया मिलने के बाद होगी ना मुझे तो किसी फीफा मैच में नहीं होगी। अगर आपको पीसी गेम की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं पीसी गेम्स की खेलूँगा जल्दी। और तो बनता क्यों नहीं, यहाँ पर थोड़ी देर कैंप करते हैं अपन लोग, यूज़ कर लेता रिपेयर हो जाएगा अपना सब। यहाँ पर मिनी सी पड़ी है पर अभी मिनी उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ी देर कैंप करते हैं। अभी मुझे गोली पड़ेगी, बंदा बंदा बंदा, ये ग्रीन लाइन जा रही है गाइस, कमेंट पर बताना दिख क्यों नहीं रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है पर आपके लिए लंबी छोटी वीडियोस कमेंट पर बताना। और यहाँ पे हमने इसे ख़त्म कर दिया है बिना नॉक किए, डबल वेक्टर ले ले गया, मतलब मैच एंड ही होने वाला था। डबल वेक्टर आई थिंक अच्छी रहेगी, बट डबल वेक्टर ले लेते हैं यार, डबल वेक्टर ले लेते हैं और इसे डबल भी कर लेते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा है डबल वेक्टर लेने का, ऐसा मन कर रहा है कि मैं हार जाऊँगा। डबल वेक्टर लेते कुछ यही अपना कॉम्बो लेते हैं मस्त वाला। बस कॉम्बो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी 8 घंटे की टाइम ख़त्म होने वाली है और फिर हम इतना यूज़ भी नहीं कर रहे तो बहुत फालतू है। बस कैश कॉर में बहुत ज़्यादा यूज में आती है गंज, पर बुरा के लिए मुझे नहीं अच्छी लगती छोटी गंज। कोई बंदा क्यों नहीं दिख रहा, बस जब मुझे ऐसा डर लगता है ना कि यार बंदा दिखेगा मुझे मार देगा, तब तो बंदा दिखता नहीं है। और जब ऐसा मेरा है ना कि हाथ में मार सकता हूँ तो बंदा दिख नहीं रहा, मैप में दिखा था पर वो चला गया किधर, मैं जोन से ना मरूँ, बस अभी जोन आने वाला है और जोन इधर से दूर बन जाएगा वाइट लाइन वाला। दो ग्लूट लगा देना ना कि कोई तोड़ ना पाए, अब लोगों को लगेगा हम यहाँ पे हैं, अब पीछे भाग जाते हैं, बंदा दिख नहीं रहा इसलिए क्योंकि जोन पीछे बन गया है। पीछे पीछे चले जाते हैं, ये टावर क्लॉक टावर चलते हैं भाई, क्लॉक टावर बंद होंगे पर डर लग रहा है जाने में। यहीं पर छोड़ कर लेट जाते हैं ना, ऐसा करते हैं लेट जाते हैं, लेट के ना थोड़ी बहुत इनहेलर वगैरह लगा देंगे। नहीं भाई हेल्थ तो फुल था, भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं, मशरूम पड़े मशरूम भी ले लेते हैं लेट कर। और यहीं के झाड़ में कैंप करते हैं, मशरूम खा लेते हैं, मशरूम खा लिया हमने। और कोई बंदा है एक बार छोटी सी देर उठ के देखते हैं कोई बंदा है क्या है भाई, शायद मेरी बहुत बड़ी गलती है उठना, ये तो लेट जा भाई डर बंदे। ओ ओ भाई भाई हेल्थ 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 कम हेल्थ कम हेल्थ। ओ मैं मार मुझे मार दिया उन्होंने, भैया मैं सबसे सब यार शिट यार छोड़ यार। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है हम सब अगली वीडियो में, तब तक रे बाय बाय। अगली वीडियो में भी हम लोग क्रैश स्क्वाड खेलें या बरमूडा कमेंट में बताना।